पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद विवादों में घिरी हुई है। अब इस टीम और कप्तान बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप कोई विदेशी नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही पत्रकार ने लगाए हैं। पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और भारत से हार गई थी और इसी के चलते पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। बता दें कि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट में इनफैक्ट पिछले 1.5 साल से लगातार बहुत सारी उठापटक चल रही है। कभी कप्तान बदलता है तो कभी मैनेजमेंट बदलता है, कभी कोच तक बदल दिए जाते हैं और लगातार बैक टू बैक जो वर्ल्ड कप्स हो रहे हैं या फिर ICC के बड़े इवेंट्स हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान की टीम फ्लॉप होती नजर आ रही है, जिसके बाद अब जब सुपर 8 में टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई है T20 वर्ल्ड कप 2024 में, तो बाबर आजम पर यह मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरा विवाद, इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बाबर आजम पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो पाकिस्तान के पत्रकार मुबाशिर लुकमान का है। मुबाशिर पाकिस्तान की हार को बाबर आजम को मिले महंगे महंगे गिफ्ट से जोड़ते नजर आए। वीडियो में मुबाशिर लुकमान कहते हैं कि थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि बाबर के पास ऑडी ई-ट्रॉन आ गई है, बड़ी अच्छी गाड़ी है। बाबर आजम ने कहा कि ये मेरे भाई ने गाड़ी गिफ्ट की है, तो मैंने सोचा कि बाबर का भाई कोई बड़ा आदमी होगा, बड़ा काम करता होगा, जिससे कि वो 7-8 करोड़ की गाड़ी अपने भाई को गिफ्ट कर पा रहा है। लेकिन जब मैंने पता किया तो पता चला कि बाबर का भाई कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करता है। वीडियो में मुबाशिर लुकमान ने कहा कि फिर मैंने सोचा कि ये गाड़ी कहां से आई होगी। अगर आप अमेरिका से हारेंगे तो गाड़ियां आएंगी ही, आप अफगानिस्तान से हारेंगे, नीदरलैंड से हारेंगे, आयरलैंड से हारेंगे तो आपके DHA में घर नहीं आएंगे तो क्या होगा, आपके ऑस्ट्रेलिया में प्लॉट नहीं आएंगे तो किसके आएंगे, आपके दुबई में अपार्टमेंट नहीं होंगे तो किसके होंगे। मुबाशिर लुकमान कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शामिल लोगों को भी इस बारे में पता है, भले ही कोई कुछ नहीं बोल रहा लेकिन ये जग जाहिर है कि कौन मैच फिक्सिंग कर रहा है और लगातार ये चीजें होती आ रही हैं। बहरहाल अब ये जो सोशल मीडिया पे एक नया आरोप बाबर आजम पर लगा है, ये आरोप तो बड़ा संगीन है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है तो मामला बहुत सीरियस हो सकता है, लेकिन अगर ये केवल एक हवाबाजी है तो क्या एक खिलाड़ी पर इतना बड़ा आरोप लगाना सही है? सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कहने के लिए बिल्कुल ओपन है, लेकिन किसी खिलाड़ी पे सीधा सीधा मैच फिक्सिंग का आरोप लगाना, या आपके पास कोई पुख्ता सबूत हो या फिर आप ऐसे हवा में बात कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा समझना कि पाकिस्तानी पत्रकार ने ये जो बयानबाजी की है बाबर आजम को लेके ये कितने हद तक सही है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स टाइम। मेरा नाम है आयुष मिश्रा, नमस्कार।